हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं रिव्यू मेबले के सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन का। ये चाइना, कोरिया, हर जगह वायरल है इस टाइम पे। ये एशिया में ही लॉन्च किया गया है एंड इसकी जो बिहाइंड द स्टोरी है या फॉर्मेट है वो है कि ये आपकी स्किन को मैट रखे बट आपको एक डिफ्यूज्ड ग्लो दे, लाइक आपकी स्किन को स्किन लुक लाइक ग्लोई रखे। बेसिकली काइंड ऑफ अ कुशन फाउंडेशन जो चीज़ क्लेम करते हैं सेम ये क्लेम करता है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर देन कुशन फाउंडेशन। इट्स ओनली फॉर 899 रुपीज़ एंड ये आपको आफ्टर डिस्काउंट पर मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू नो दैट मेबले हमेशा डिस्काउंट पर होता है, 30%, 40%, 35% ऑफ। एंड ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, नाइका, मिंत्रा, टीरा एंड मैंने इसे आजियो पे भी देखा है, बट हर जगह पूरी शेड रेंज अवेलेबल नहीं है। पूरी शेड रेंज अवेलेबल है सिर्फ नाइका पे एंड हम इसे ट्राई करेंगे, ट्रांसफ़र टेस्ट करेंगे, स्वेट टेस्ट करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा इसकी टेस्टिंग करने में हम वो टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कितना ज़्यादा जो क्लेम करता है वो है या नहीं है। एंड मैंने अभी अपनी स्किन पे यही फाउंडेशन पहना हुआ है सो आप देख सकते और फाउंडेशन पहने हुए मुझे हो गया अप्रॉक्सीमेट 1 आवर। 1 आवर के बाद भी आप देख सकते हो बट मेरी स्किन पे ना ही कोई कंसीलर है ना ही कोई पाउडर है, मैंने सिर्फ इसे ऐसे ही लगा के छोड़ दिया बिकॉज इट्स अ लूमी फाउंडेशन बट एट द सेम टाइम मैट। एंड अगर ये मैट है तो मुझे पाउडर की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, यू ऑलरेडी नो दैट। सो नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट रिव्यू गाइस, सो एंजॉय। तो पैकेजिंग दिखती कुछ इस तरीके की, पर्पल कैप के साथ आता है एंड ग्लास पैकेजिंग है। मैंने अभी तक ओपन नहीं करा, आप लोगों के सामने ओपन करूँगी। शेल्फ लाइफ इसमें मिली है मुझे 2026 तक की एंड 12 मंथ जब आप इसे ओपन कर लेंगे 12 मंथ तक आपको यूज़ करना है। ये 30 आवर वेयर कर सकते हो, लाइट वेट फीलिंग देता है, सॉफ्ट मैट फिनिश है, बिल्डेबल फुल कवरेज है, वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, SPF 60 के साथ आता है एंड शेक बिफोर यू यूज़। सो लेट्स सी कि ये क्लेम कितने ज़्यादा सच है, बट ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी फील हो रहा है। ओके सो लेट्स ओपन दिस। पैकेजिंग वॉज सो एस्थेटिक, लाइक बिकॉज मेबले की ना ऑलमोस्ट पैकेजिंग ब्लैक एंड वाइट होती है। सो मैंने शेक कर लिया अच्छे से, पैकेजिंग दिखते कुछ इस तरीके की। प्राइस वॉज 899 एंड अभी डिस्काउंट पे नहीं है बट आपको पता है डिस्काउंट पे रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। सो ओके, इट्स अ लिक्विडी फाउंडेशन एंड शेड मुझे मैच कर जाएगा बट इतना वॉर्म नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रल भी है। सो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे स्वॉच लगा के छोड़ देते हैं। तरीके से ल्यूमिनस बताया जा रहा है, इसके अंदर कोई चंकी पार्टिकल है क्या? ओके, पार्टिकल्स नहीं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो गया बट या इट्स वेरी लाइट वेट, इट्स मोर लाइक अ टिंटेड फाउंडेशन। सो लेट्स अप्लाई दिस, आई एम सुपर एक्साइटेड। दो इसके अंदर ज़्यादा शेड नहीं है, सिर्फ 10 ही शेड अवेलेबल है। आई डोंट नो कि आउट ऑफ इंडिया कितनी शेड अवेलेबल हैं एंड चाइना में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मुझे लगता है मुझे इसमें शेड 220 लेना चाहिए था, आई डोंट नो, माइट भी मुझे अच्छे से मैच कर जाए। ओके, लाइक यू कैन सी इट्स मोर लाइक अ टिंटेड फाउंडेशन, नॉट लाइक अ मेबले सुपर स्टे की जो रेंज है लाइक अ फुल कवरेज, बट वाओ You see that glow? I know that it's because of a lighting somewhere, but नहीं, naturally भी बहुत ज़्यादा glowy लग रहा है। Yes, it's very lightweight, very blendable, perfect for everyday, क्योंकि इतना easily blend हो रहा है। बस this shade is not my shade, like मुझे इतना अच्छे से match नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसे single layer लगाऊँगी तो ये मुझे अच्छे से मैच करेगा। मैक एनसी 40 या मेबिलर 228 के लिए ना ये थोड़ी सी ज़्यादा न्यूट्रल है, हल्की सी केमिकली फ्रेग्रेंस है, वेरी लिटिल नॉट टू मच, मतलब इतनी ओवर पावरिंग नहीं है। ब्लेंड काफ़ी इजीली हो गया है, आई डोंट नो माइट बी शेड मुझे मैच कर रहा है बट मुझे लाइटिंग की वजह से ऑफ लग रही है शेड, बट हाँ मुझे ऑफ लग रही है शेड। मेरे अकॉर्डिंग ये हल्का सा ज़्यादा वूम होना चाहिए था अगर इन्होंने मार्केट किया है वूम में, सो मुझे यहाँ पे शेड ऑफ लग रही है। ऑल दो आई रियली लाइक इट,
ब्लेंड सुपर इजीली। आपको भी पता लग जाएगा जब मैं अपनी आईज़ पे लगाऊंगी, एंड सो आपको दिख जाएगा कितनी कवरेज है। सो यू सी दैट सो ये इतनी कवरेज दे रहा है। वैसे कवरेज मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। फॉर्मूला इज समवेयर लाइक अ टिंटेड फाउंडेशन, जैसे टिंटेड लाइट वेट फाउंडेशन आते हैं उस तरीके का, एवरीडे के लिए बेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा ना बिल्ड करके देखते हैं। वेल इट्स अ लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड यस इजीली ब्लेंड हो रहा है। यू सी दैट एक्स्ट्रा कवरेज इजीली ब्लेंड हो रहा है, विच इज़ रियली गुड। बट मुझे इस तरीके के फाउंडेशन ना लाइट कवरेज में ही पसंद है, मुझे ज़्यादा हाई कवरेज में पसंद नहीं है। बिकॉज इनका पर्पज़ ही क्या है, अगर ये लुमिनस फाउंडेशन है आई वॉन्ट माई स्किन कि वो पीक थ्रू करे एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोई लगे। ग्लो तो आप देख ही सकते हो, एंड इसके अंदर ना बहुत अच्छी बात यह है, ग्लो के नाम पे ना चंकी पार्टिकल्स नहीं डाले हुए हैं, लाइक ग्लिटर नहीं डाली हुई किसी भी तरीके की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्होंने फॉर्मूला जो बनाया वो थोड़ा सेमी मैट टाइप का फॉर्मूला बनाया एंड ईजीली ब्लेंडेबल, लाइक बिल्कुल जैसे कोरियन कुशन फाउंडेशन आते हैं या चाइनीज़ कुशन फाउंडेशन आते हैं, ये समवेयर उसी तरीके का फॉर्मूला। अगर आपको कुशन फाउंडेशन पसंद है तो एक आप एम्प्टी कुशन ले सकते हो और उसके अंदर ये फाउंडेशन डाल सकते हो, तो ये एग्जैक्ट आपको कुशन फाउंडेशन वाला फील देगा। ट्रांसफ़र टेस्ट किए कितना ट्रांसफ़र होता है। ओके सो ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब करते हैं वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट कि ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट करने पे कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। गाइज आई एम न्यू टू दिस, मैंने अभी तक किसी फाउंडेशन का वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट वगैरह नहीं किया है, बिकॉज मुझे कभी नीड नहीं लगी। बट मैंने सोचा है इस साल से फाउंडेशन जो जो क्लेम करता मैं सब करूँगी। ओके सो लेट्स, गाइज आई एम सॉरी फॉर माई नेल्स, कितने ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, आई एम सॉरी गाइज, बट सच में बस टाइम नहीं था, मैंने नींद भी आज ही लिया। ओके इट ट्रांसफ़र बट नॉट दैट मच, एंड ये तब इतना ट्रांसफ़र हो रहा है जब मैंने इस पर कोई पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल इतना ट्रांसफ़र होना किसी फाउंडेशन का। सो मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा, बट हाँ वाटर में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। सो अगर आप इसे पाउडर वगैरह से सेट नहीं करोगे तो हाँ ट्रांसफ़र होगा, बट ऑल दो मेरी स्किन अब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने यहाँ पे अपना बेसिक मेकअप कर लिया है और मैं आपको लिटरली बताऊँ ये ऑक्सीडाइज हुआ है, लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये एक शेड बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड पता नहीं क्यों ये ना थोड़ा न्यूट्रल की साइड चला गया है, जो कि इतना अच्छा लग रहा था कैमरे पे, अच्छा लग रहा है फ्लैश के साथ, अच्छा लगेगा, बट इन जनरल मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है मेरे फाउंडेशन वॉर्म। सो जैसा मेबली में हर बार प्रॉब्लम होती है, इस बार भी शेड में प्रॉब्लम हो ही गई। इन्होंने लिखा है वॉर्म बट ये है न्यूट्रल, एंड आई डोंट नो ये लोग इस तरीके से क्यों करते हैं, बट ठीक है क्या ही कहें अब इसमें। ठीक है सो लाइक यू कैन सी मैंने पाउडर नहीं लगाया हुआ अपनी स्किन पे, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वेल मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ गुड फाउंडेशन फॉर एवरीडे बेसिस, लाइक यू नीड अ गुड लॉन्ग लास्टेड टिंटेड फाउंडेशन, उसके लिए ये बेस्ट है। एंड आई नो द हाइप कि अभी ये चाइना और कोरिया में इतना ज़्यादा वायरल क्यों चल रहा है, बिकॉज उन लोगों का तो मेकअप है ना वो स्किन लाइक ही करते हैं, एंड वो कुशन फाउंडेशन भी एकदम थिन लेयर अप्लाई करते हैं, तो थिन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। लाइक जैसे वो स्पैचुला वाला ट्रेंड चला था ना लेके एंड एकदम थिन लेयर अप्लाई करने वाला, ये उस ट्रेंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड ये उसी तरीके का फाउंडेशन भी है। वेल मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ गुड फाउंडेशन, सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्किन लुक लाइक कि आपके कोई इम्परफेक्शन वगैरह जो मतलब हाइपर पिगमेंटेशन है उन्हें कवर नहीं करेगा, अनटिल अनलेस आप इसे बिल्ड नहीं करते हो इन अनदर लेयर। बट ऑल दो आई लाइक इट बिकॉज मेरा तो मेकअप ही थोड़ा स्किन लुक लाइक लगता है बिकॉज आई लाइक इट, बट सी दैट न्यू डोंट सी डबल चिन बट यू सी दैट माई स्किन इज़ वेरी वॉर्म एंड इट्स वेरी न्यूट्रल, बट हाँ ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइज हुआ है, ये और ज़्यादा न्यूट्रल हो गया है। सो अच्छा हुआ पहले मैंने शेड नहीं ली, मुझे लगता है अगर इसमें 1 to 8 शेड लेती वो वॉर्म है तो मुझे लगता है वो मुझे ज़्यादा अच्छे से फिट होती, बिकॉज ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो 2 to 8 पे चली जाती। सो यू
गेट माई पॉइंट, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मेरे फेस पे से लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरी स्किन लुक लाइक लग रही है, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है बिना किसी स्ट्रोब क्रीम के, बट एट द सेम टाइम इतना भी ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है। लाइक यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे फाइन लाइन में हल्का सा सेट हुआ है, विच इज़ नॉट अ बिग डील, पोर्स वगैरह में नहीं फिल हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्किन लुक लाइक लग रहा है। वेल, आई हाईली रिकमेंड यू, अगर आपके पास चांस है तो आप इसे ज़रूर लो। आप इसे अपना कुशन फाउंडेशन बना सकते हो, टिंटेड फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस यू वी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। बाई।